वेलकम बैक रीमा शो में मैं दोबारा से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बात हो रही है बेगम नवाजिश अली से। बेगम साहिबा, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बहुत सारी बातें होती रहती हैं, दोस्ती के हवाले से बहुत कुछ किया भी जाता है और फिर अचानक इस दोस्ती के गुब्बारे से हवा निकल जाती है। आप क्या समझती हैं कि क्या उधर से भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये दोस्ती जो है मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए या बस ये वक्ती दिखावा है सब? रीमा, मैं इस वक्त अगेन आपके चैनल और आपके शो के तवस्सुत से I'm having such difficulty right now, but you know, actually, I didn't sleep well last night. They don't let me sleep. तो इसलिए मेरा जो fuse होता है थोड़ा सा out होता है। लेकिन ये कि India के अंदर मैं जब भी गई हूँ, मुझे लोगों से इतना प्यार मिला है। और मैं समझती हूँ कि जितने लोग हैं इंडिया में, वो जब उनको पता लगता है कि पाकिस्तान, यू नो, हम पाकिस्तान से हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं और फौरन पूछते हैं लाहौर के बारे में और पिंडी के बारे में और कराची के बारे में। और आई थिंक जिस तरह हमारे लोगों के दिलों में एक इंडिया को देखने का शौक है, इसी तरह इंडिया के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके दिल में पाकिस्तान के लोगों के लिए एक प्यार है। आई हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, प्यारी सी, नाजुक सी सारा हमारे साथ भारत से बात करेंगी। हेलो, हेलो, हाय सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बेगम वहाँ पे हैं? जी बिल्कुल। सारा मेरी जान, हाउ आर यू माय डार्लिंग? हाय बेगम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हैप्पी। सॉरी, आई एम सो हैप्पी टू स्पीक टू यू आफ्टर लॉन्ग। आई नो जानी, एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर योर वॉइस आल्सो। मेरी बड़ी आरजू थी कि मैं वापस आती आपके ग्रैंड फिनाले के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ वीजा की टेंशन रही है। बात ये कि जैसे ही मौका मिलेगा इंशाल्लाह बॉम्बे आकर, आई एम गोइंग टू कम एंड गिव यू अ बिग हग बिकॉज़ यू माय फेवरेट। और मैं तुम्हारे हाथ का खाना, बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं भूलती। बहुत मजे का खाना खिलाया सारा। आपकी शादी प्रोग्राम के अंदर हुई, आपको कैसा लगा? जी अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें थी। और सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज़ ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी लड़की की शादी जो है वो किसी प्रोग्राम के अंदर हो और फिर अचानक आपको शादी के फौरन बाद आपको और आपके हस्बैंड को अलग कर दिया गया। अलग कर दिया नहीं गया, अलग खुद हुए। अच्छा खुद हुए, लेकिन उनको मैं निकाल दिया गया था ना प्रोग्राम से। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम की बात कर रही? जी जी, मैं प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। बट उस बारे में, बिकॉज दैट पार्ट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ माय लाइफ, एट द सेम टाइम मेरे साथ एक तरह से अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, बिकॉज मेरे माँ बाप उस वक्त राजी नहीं थे, दूसरी काफी सारी चीजें थी। तो उस वक्त की अगर बात करें तो अभी मुझे कुछ भी चीज ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि वाई ही लेफ्ट, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा सारा, आपने पाकिस्तान से दो आर्टिस्ट वहाँ गए थे, वीना मलिक और बेगम साहिबा, आपने दोनों के साथ टाइम गुजारा, आपको दोनों में से सबसे ज्यादा अपने नजदीक कौन लगा, ये किसने ज्यादा इम्प्रेस किया? देखिए, जब मैं अंदर थी तो कुछ वक्त के लिए मैं वीना से बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी, बट लेटर ऑन बेगम से तो हमेशा का सभी का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, किसी को कभी बेगम से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और बेगम इज अ वेरी स्वीट पर्सन और बेगम ने हमेशा सबको खुश रखा है, सबकी प्रॉब्लम्स में उसने हाथ बटाया। तो बेगम से आई एम वेरी क्लोज, इवन आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम बिग बॉस ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू बी इन टच विथ हर एंड आई विल ऑलवेज, जब तक मतलब मैं चाहती हूँ उससे टच में हमेशा रहना। आई डोंट नो अबाउट हर, बट आई ऑलवेज वांट टू बी इन टच विद हर। सेम हियर माय डार्लिंग, आई ऑलवेज वांट टू बी इन टच विद यू एंड आई वांट यू टू डेफिनेटली विजिट पाकिस्तान। कम हियर एंड आई विल टेक यू अराउंड, आई विल शो यू माय ब्यूटीफुल कंट्री। एंड यू नो सारा, यू आर अ वेरी टैलेंटेड यंग पर्सन। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी, कहते हैं ना, यू हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू, तो बस कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यू आर अ फाइटर, यू आर अ स्ट्रांग गर्ल, और मेरी दुआएं और मेरा साथ तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है। और सारा, आपके बारे में ये कहना चाहूंगी कि जितने भी अंदर पार्टिसिपेंट्स थे, आप वो बाहर थी जो रोती हुई बहुत प्यारी लगती थी, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि खुदा कभी भी आप ना रोएं और आपको बहुत सारी खुशियां नसीब हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सारा, थैंक यू सो मच। लव डार्लिंग, स्पीक टू यू सून। बाय लव, बाय लव। थैंक यू सारा, बड़ी क्यूट सी, नाजुक सी थी। मेरे ख्याल जितने भी लोग थे, यंगेस्ट इन द हाउस, जितने भी लोग थे, सबसे ज्यादा पतली नाजुक सी ये थी। बेगम साहिबा, आपके ब्लाउज, साड़ियाँ, ज्वेलरी, हेयर डूज की एक दुनिया दीवानी है। आप क्या समझती कि आपके मेकओवर में सबसे ज्यादा पुरकशिश एलिमेंट कौन सा है? मेरा दिल।
मेरा दिल और उसके अंदर से जो खुशी निकलती है ना, and I've always said this, क्योंकि साड़ियाँ तो खैर, I mean, I've always said कि BG does a great job with my wardrobe and then of course Iram who does my makeup and other people who do my makeup. अभी आपसे और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इंडिया से एक और आपके बहुत ही प्यारे दोस्त जो बिग बॉस में आपके साथ हैं, हमारे साथ लाइन पर हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं. हेलो, हाय मनोज तिवारी हियर. हाय मनोज जी, हाय हाउ आर यू, वेलकम टू माय शो. कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मनोज जी. मेरा नमस्कार पूरे पाकिस्तान को. बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया और तमाम भारत वालों को भी हमारा बहुत दिल से आदाब नमस्कार बहुत मोहब्बत के साथ. अच्छा मनोज जी, बिग बॉस सीजन 4 में आप तमाम लोग थे, आपके साथ पाकिस्तान से बेगम साहिबा और वीना मलिक थी. आप बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन दो पर्सनालिटीज के साथ? बेगम के साथ तो मेरा बहुत अच्छा था और बस वीना जी के साथ उतना अच्छा नहीं रहा. मनोज जी, अब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आदाब, कैसे हैं मनोज जी? आपकी बहुत बहुत याद आती है. बेगम आप यही हो? मैंने कहा मेरे मनोज जी, ऐसा हो सकता है कि आप हो और मैं ना हूँ? और पता है मनोज जी, आपकी आपकी गाई भी वो गजलें, बाय द वे रीमा, मनोज जी जो है ऐसी उम्दा गजल गाते हैं. कौन सा आपका फेवरेट गाना था, जरा हम भी सुन ले और तमाम आवाम भी सुन लेगी. चुपके रात दिन आंसू बाना याद है हम को अब तक आशिकी का वो जमाना याद है. अरे वाह 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 वाह, गुलाम अली साहब का. बेगम साहिबा, अब मनोज साहब को आप भी गाकर जवाब दीजिए. नहीं मनोज जी, मनोज जी नहीं, गाकर उन्होंने देखें पूरी आवाम को सुनाया. हाँ, आप भी पूरी आवाम को. लेकिन मनोज जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बहुत वहाँ पे हमारा दिल रखा, हमारा ख्याल रखा, और मैं समझती हूँ कि आपकी मुस्कुराहट से एक इतनी लाइवलीनेस हो जाती थी उस घर के अंदर कि आपकी वजह से उस घर में एक बहुत बहुत रौनक थी और एक बहुत जिंदगी थी. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी. और आपने मुझसे वादा किया था कि आप पाकिस्तान आएंगे, तो आप ये बताइए कि आप कब आ सकते हैं हमारे पास? मैं आप जब भी बुलाओगे मैं आई लव टू कम इन पाकिस्तान. मनोज जी आप आइए, आपको बहुत मोहब्बत से हम अभी दावत देते हैं और आप आएंगे तो यकीन जानिए कि आप इतनी मोहब्बत समेट कर जाएंगे कि आप हम में से किसी को नहीं भूल पाएंगे. वो मैं बेगम से मिलके देख लिया हूँ और नो डाउट मैं बहुत जल्दी आना चाहूंगा और प्लान कर रहा हूँ. जरूर जरूर जरूर. बेगम साहिबा से आप फरमाइश करेंगे किसी गाने की? अरे वो गाना सुना दो जो आप सुनाते थे मुझे बिग बॉस में, वो नाजिया वाला. हाँ नाजिया वाला. हाँ ये आपके लिए है मनोज जी. जी 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 जी. जब से मैंने देखा तुझे फिर चैन आया नहीं, जिंदगी है तेरे बगैर जिस तरह अजनबी. सॉरी मनोज जी, मैं अभी नहीं गा सकती. लॉट्स ऑफ लव एंड आई स्पीक टू यू वेरी सून मनोज जी. बहुत शुक्रिया मनोज जी और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं तमाम इंडियंस के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. आप वहाँ एक बहुत सफल एक्ट्रेस हो. ऑल द बेस्ट. थैंक यू मनोज जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. उन्होंने गाया चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है. क्या ये गाना उन्होंने आपके लिए गाया? ये वहाँ पे मेरे लिए हर वक्त गाया करते थे मनोज जी. बहुत ही अच्छे थे बेचारे. अच्छा जब बेचारे आपने क्यों बोला? अच्छा समीर, समीर को तो आपने भाई कह दिया. मनोज जी क्या थे? मनोज जी दोस्त थे. समीर तो खैर पहले दिन ही भाई बन गए. अगर कर्नल साहब उठ कर आ गए पता चल गया कि आपने, वो तो खुशी होता है कर्नल साहब की मेरी जिंदगी में कोई और आए, कोई बहारे आए. लेकिन मनोज जी को बेचारे इसलिए कहा कि मनोज जी वाज मिसअंडरस्टूड बाय लॉट ऑफ पीपल. आई थिंक मनोज जी बेचारे जो दोबारा बेचारे, लेकिन दिल के बड़े अच्छे थे. लेकिन अगर ये बहारे मनोज साहब की तरफ से आई तो क्या आप उस तरह की पब्लिसिटी लेना चाहेंगे जैसे सानिया मिर्जा ने, अब सानिया मलिक ने और शोएब मलिक ने हासिल? नहीं नहीं ऐसी नहीं. मैं नहीं समझती रीमा के अब मैं उस, क्योंकि हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से जब कोई जोड़ा मिलता है तो वो एकदम बैठे बैठे चाहे स्टार हो तो और ज्यादा सुपरस्टार बन जाता है, इतनी उसकी कवरेज उसको मिलती है. तो क्या आप ऐसी कवरेज के लिए मनोज साहब का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? मेरी जान मैं अनफॉर्चूनेटली वो सिंगल है कि मैरिड? नहीं ही इज मैरिड वेरी मच और इनकी बेटी भी है और अपनी बेटी को बहुत मिस किया करते थे ये. लेकिन ये कि मैं इस किस्म की पब्लिसिटी के लिए चीजें नहीं किया करती. मैं समझती हूँ कि इंसान को वो करना चाहिए जो इंसान का दिल चाहे.
ना कि आप छोटे मोटे काम करते हैं जिससे आपको वक्ती पब्लिसिटी तो मिलती रहती है, लेकिन फिर वो बहुत जल्द उस गुब्बारे की जो फूंक होती है ना, हवा होती है, वो निकल जाती है उसके अंदर। अच्छा बेगम साहबा, एक रूमर सुना था हमने कि श्वेता का और मनोज जी का आपस में अफेयर चल रहा था। नॉट एट ऑल। एक तो दोनों नो ट्रूथ इन इट। श्वेता एंड मनोज जी हैव बीन को एक्टर्स। इन्होंने भोजपुरी सिनेमा की दो फिल्मों में इकट्ठे काम किया है एज हीरो एंड हीरोइन, और दोनों के सरनेम तिवारी हैं, वो श्वेता तिवारी हैं या मनोज तिवारी हैं। तो इनकी एक दोस्ती ऑब्वियसली बिकॉज ये कोलीग्स रह चुके थे पहले और साथ दो फिल्में कर चुके थे, तो इनकी आपस में एक तो जैसे दोस्ती बना होती है, स्कैंडल्स बना देते तो वो, लेकिन इनका आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। और श्वेता के बारे में मैं ये जरूर कहूँगी कि उस लड़की ने अपने आप को बहुत ग्रेसफुली कैरी किया बिग बॉस के अंदर, उस घर के अंदर। अच्छा बेगम साहब, ये भी मेरे प्रोग्राम का एक और सेगमेंट है, रैपिड रिस्पॉन्स। एक नाम लूंगी उसके हवाले से जो भी आपके जहन में ख्याल है आपने शेयर करना है। रेडी? रेडी। नाज़िया हसन, आइकॉन। क्लियोपेट्रा, royalty. heaven, tasavvur. hell, tasavvur. benazir bhutto sahiba aur asif ali zardari sahab, poles apart. balawal bhutto zardari, promising. parvez musharraf, has been. salman khan, cute. begum nawazish ali, the acha main the best. Michael Jackson. Oh, Michael Jackson was phenomenal. MQM. Political party. Meera. Entertaining. Veena Malik Ashmit. Fareeb. Nadia Khan. That's a difficult one, but who's that really? Kaun hai Nadia Khan? Naam kuch suna suna sa lag raha hai. Marhoom Colonel Sahab. Guzar gaye bechare. Imran Khan. Future of Pakistan. डॉली और खली, यूनिक। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा।